चलिए तो आज बात करेंगे, डेट है 1 सितंबर 2024। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ये सिखाऊं, पहले तो ये सिखाऊंगा कि कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले चीज तो हम ये समझेंगे। दूसरा मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जैसे लेट सपोज आप देखिए कि हमारे पास, मैं बार बार बोलता हूं, हमारे पास कोई भी व्यक्ति सुखी में तो आता नहीं है, मतलब बहुत खुश है तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो दुख उसके साथ होगा तभी आएगा। हमारे पास लगभग दुखी आत्मा आती है सारी, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि उन लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं आप ये रत्न पहन लीजिए, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आप ये ब्रेसलेट पहन लीजिए, है ना, तो या इस तरीके का रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, बहुत सारे हैं। आप सोचिए, एक मेरा अभी रिसेंटली एक आगरा का क्लाइंट है, पीछे पड़ा है मेरे कि आप मुझे रत्न बता दीजिए। मैंने उससे बोला मेहनत कर मैंने उससे बोला मेहनत कर, तुझे डायरेक्शन बता दिया ना मैंने कि टाइम पीरियड अच्छा है तेरा, ठीक, इस पे मेहनत कर। नहीं सर, वो मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, मगर आप मुझे रत्न बता दीजिए, कौन सी अंगूठी पहन लूं, क्या खरीद लूं, ये सब। तो द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चीजें काम नहीं करती, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। बट मेरा मानना है, या जो मेरा अनुभव अभी तक रहा है, कि अपन ना, हम लोग ना बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, हमारा काम कंसल्टेंट है, यानी कि सलाह देना है, बिजनेस करना नहीं है। तो उस केस में कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग ये रतन वतन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, इनका ध्यान कंसल्टेशन की जगह कम और सामने वाले की पॉकेट मनी पे ज्यादा आता है कि भैया इससे 5,000 निकाल सकते, कि 10,000 निकाल सकते, कि 15,000 निकाल सकते, वो सेल्समैन बन के रह जाते हैं। तो द पॉइंट इज, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके खिलाफ हूं और वो काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं भाई, मगर मैं आज आपको इतना सिंपल तरीका सिखाऊंगा कि आप अगर क्लाइंट को, इनको, यंत्र को, इसको बोलते हैं यंत्र, यंत्र को बनाकर देना शुरू कर दें तो उतने ही अच्छे रिजल्ट उनको मिलेंगे जितने किसी रत्न या किसी ब्रेसलेट को पहन के मिलते हैं। ब्रेसलेट हो गया या ये सब हो गया, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अपने यंत्र में मैंने सिखाया था, यंत्र कैसे बनता है ये मैंने सिखाया था। नहीं नहीं याद है तो जाके उस रिकॉर्डिंग को चेक करो, ग्रुप पे मिलेगा, जाके देख लो मैंने कैसे सिखाया, यंत्र कैसे बनता है। तो मटेरियल मटेरियल सब लेके आइए, भोजपत्र चाहिए होगा, तो भोजपत्र पे इस यंत्र को बनाया जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, सबसे पहली चीज नोट कर लो, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस एप्लीकेशन का नाम है, बहुत फेमस है, उसका नाम है दृक् पंचांग। ये नाम लिख लो, मैं स्पेलिंग बता देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आप सही से उसको डाउनलोड करें। जो मैंने अपने उसमें डाउनलोड करा है, वो स्पेलिंग है DRIK, दृक, फिर स्पेस पंचांग, PNCHANG, दृक पंचांग, ठीक है। जब ये दृक पंचांग आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आपको एक मेन्यू आएगा, पूरा एक स्क्रीन पे आएगा, उस स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है, लिख लीजिए दैनिक मुहूर्त, दैनिक मुहूर्त एक ऑप्शन आएगा, दैनिक मुहूर्त, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा होरा मुहूर्त, रुकिए मैं अपने आप को स्पॉटलाइट देता हूं ताकि आप थोड़ा सा मेरे फोन में देख पाए। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से दिखेगा एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरीके से, ये जो कलरफुल आप देख रहे हैं ये सारे, ये होरा दिखते हैं, उसको मैं दिखा देता हूं ऐसे आपको, एक सेकेंड, ये जब ओपन होगा तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का ऐसा दिखेगा। और दिखने के बाद इसको आपको, मैंने बोला आप इसे ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो दैनिक मुहूर्त पे क्लिक करना है, और दैनिक मुहूर्त के बाद एक आएगा होरा मुहूर्त, होरा मुहूर्त ये आएगा, होरा मुहूर्त ये आएगा, ठीक है। जब होरा मुहूर्त आएगा तो होरा मुहूर्त शुरू होगा सुबह के 6 बजे से, ठीक है। अब 6 बजे से आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा होरा चल रहा है। जैसे लेट सपोज अभी मैंने इसको ओपन किया है, तो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मरकरी का होरा चल रहा है, यानी कि जो प्लैनेट है मरकरी, उसका होरा चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी हम यंत्र बनाएंगे वो अलग अलग होरा के हिसाब से बनेगा। मतलब आपको मैं यंत्र में दिखा दूंगा, वो जनरल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई स्पेसिफिक यंत्र आएगा तो आपको उस होरा में यंत्र बनाना है। पहली चीज याद रखिएगा, जब भी आप, कोई क्लाइंट आता है, मैं आपको बताऊंगा क्लाइंट क्या बोलेगा
और हम उसको कौन सा यंत्र बना के देंगे, ठीक है।